स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिटरमिनेंट्स। और जैसा कि ये चैप्टर क्या है, हमारा बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार इसमें हर बार बोर्ड में आते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत प्रोसीजरल होते हैं, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, ठीक है। और दिस इज द इजिएस्ट अमंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जेई में, जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसमें मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द इजिएस्ट वन। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा खर्च नहीं होता, बट प्रोसीजरल होते हैं, मतलब स्टेप के बाद स्टेप करना है। एक आध टॉपिक है जो थोड़ा सा दिमाग वाला है, वो हम एंड में पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके अलावा जो भी पहले हम पढ़ने वाले हैं उसके, वो ऑलमोस्ट दे आर मोर और लेस प्रोसीजरल ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेंट से। तो पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो राइट द फर्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट क्या है बेसिकली? इट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन अ स्क्वायर फॉर्म, इन अ स्क्वायर फॉर्म बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब देख लेते हैं हम इसका इंडिविजुअल मीनिंग क्या है। तो पहले तो उसने बोला कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो ये सारे नंबर्स हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर, 1, 2, 3 एंड 4। प्लस उसने बोला इट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से मेरा मतलब क्या है कि जितना इस साइड है लेंथ उसी से उतना ही इस साइड है, मतलब इस साइड दो नंबर है, इस साइड दो नंबर है, बाकी हम रेफर करेंगे अभी इसको रोज बोलते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं, दैट आई विल कम टू दैट पॉइंट। बट फॉर टाइम बीइंग स्क्वायर मैंने क्यों यूज किया कि दो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली हैं तो दो एलिमेंट वर्टिकली हैं, इसलिए इस स्क्वायर वर्ड यूज हुआ। वर्टिकल लाइंस किस लिए यूज हुआ? ये वाली लाइंस, दीज टू लाइंस, दीज टू आर वर्टिकल लाइंस। तो जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उसको हमने क्या किया, स्क्वायर फॉर्म में दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रखा है, एंड दैट इज नथिंग बट अ डिटरमिनेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिटरमिनेंट होता क्या है? इट इज सिंपली अ वैल्यू, इधर लिख लो नोट करके, इट इज simply a value. जैसे कि अभी अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैट्राइसिस, मैट्राइसिस में क्या होगा, दैट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो वैल्यू वगैरह रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो तो एक बस नंबर्स को अरेंज करने का एक तरीका है। बट इधर जो हमारा डिटर्मिनेंट है, दैट इज नथिंग बट अ वैल्यू, एक कोई वैल्यू आएगी किसी डिटर्मिनेंट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके हम आगे चल के देखेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 4 - 6 व्हिच इज -2, तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इट इज सिंपली अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है? एक वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। अगर x का इधर एक्सप्रेशन लिखे तो हम बोल देंगे इट इज एक्सप्रेशन ऑफ x, क्लियर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, 2। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 क्या है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन किया है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में n नंबर ऑफ रोज है तो उसके ऑर्डर को हम बोलेंगे इट इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। क्या मैंने बोला? इफ determinant, if a determinant has n rows, n rows बोल रहा हूँ या फिर column बोल रहा हूँ, क्योंकि determinant में क्या होगा, number of rows is equal to number of columns। चलो हम वो भी लिख लेंगे अभी। order क्या मैंने बोला? in a determinant, if a determinant, not in a, if a determinant has n rows, then its order will be n क्रॉस n, ठीक है ना। अगर किसी डिटर्मिनेंट में n नंबर ऑफ रोज हैं या फिर n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। तो मैं बोलूंगा लेट्स से, जैसे मैंने लिखा, ये डिटर्मिनेंट लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, therefore I'll say order of this determinant will be 3 x 3, ठीक है। अच्छा, हम 3 x 3 बोले या फिर I can say simply 3, वो भी चलेगा। क्यों चलेगा? Because determinant में क्या होता है, number of rows और number of columns बराबर होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इस determinant का order is 3, या फिर हम 3 x 3 बोलेंगे। But इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, 3 x 3 को 9 लिख दूंगा। This is not a symbol for multiply, multiply नहीं, क्या ये एक represent करने का तरीका है order को किसी determinant का, clear है। अच्छा, next point जो कि मैंने अभी बोला कि जो हॉरिजॉन्टली प्लेस होते हैं उनको रोज बोलते हैं और जो वर्टिकली नंबर्स प्लेस होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, तो उसको लिख लेते हैं। देख मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नंबर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, नंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली आर सेड
form rows. ठीक है, अभी आते हैं इस पॉइंट पे, पहले लिख लो, फिर नंबर प्लेस वर्टिकली आर सेट टू फॉर्म कॉलम्स. ठीक है, पहले इसको लिख लो और फिर मैं इस पर बताता हूँ इसका मतलब क्या है. I hope लिख लिया होगा. तो मैंने बोला कि let's say ये मेरा determinant है, वही determinant ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, ये मेरा determinant हो गया. तो उसने क्या बोला, numbers जो horizontally placed हैं, they will form a row. इसका मतलब ये हमारी एक row होगी, similarly ये हमारा एक row होगी और ये हमारी एक row होगी. So I'll say this is row one. और short में क्या बोलूँगा, R1. सिमिलरली दिस इज रो टू, तो शॉर्ट में क्या लिखूंगा, आर टू, एंड दिस इज रो थ्री. तो याद रखना जो हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं दे विल फॉर्म अ रो, और जो वर्टिकल है तो मैं एक काम करता हूँ इसको अलग लिख लेता हूँ. चलो दूसरे कलर से बात करता हूँ, तो दूसरा कलर, चलो इसी से ये वाली जो लाइन होगी जो मैंने ब्लू वाला, दिस इज कॉलम वन, कॉलम वन. शॉर्ट में क्या बोलूंगा, सी वन. सिमिलरली 2, 5, 8 दिस विल बी सी टू, एंड 3, 6, 9 दिस विल बी कॉलम थ्री. Numbers placed horizontally will form a row. Numbers placed vertically are said to form columns. ठीक है? और फिर determinant में क्या लिखेंगे? नोट करके, in determinant, number of rows is equal to number of columns. ठीक है, डिटरमिनेंट में अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे. मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा, जो हमारा अगला चैप्टर होगा मैट्रिसेस में, इट विल वेरी, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जरूरी नहीं बराबर हो. ठीक है, बट इन डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, तभी वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा हो पाएगा ना. जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में लिखा था, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस. तो स्क्वायर फॉर्म में कब होगा, व्हेन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, अदरवाइज नॉट. ठीक है, अच्छा अभी जैसे मैंने ऑर्डर लिखा था, तो मैं एक बार और ऑर्डर पे आता हूँ. जैसे मैंने ऑर्डर के बारे में क्या बोला था, कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर n नंबर ऑफ रोज हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर इज n क्रॉस n. क्या बोला दोबारा, इफ अ डिटरमिनेंट हैज n नंबर ऑफ रोज, देन माय ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी n क्रॉस n, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं सिंपली n. ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर अगर यही करेक्ट है तो ये क्यों लिखा. ठीक है ना, किसी का क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर जब n रोज है तो मैं ऑर्डर को n लिखू, इतना लंबा क्यों लिखू. वो हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज आगे चल के हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो या केवल रोज बताना इज सफिशियंट टू टेल द रोज, क्योंकि रोज बता दी तो मतलब तुम्हारे कॉलम्स ही बता दिए, क्योंकि डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम बराबर होते हैं. बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा, मैट्रिसेस में जस्ट लेट्स से इस टाइप की कुछ चीज पढ़ेंगे हम, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसमें क्या, रोज तो हमारी 2 है, कॉलम्स हमारे 3 है, 1, 2 and 3. तो इधर तो मुझे क्या है, ऑर्डर में केवल 2 नहीं बोल सकता, 3 नहीं बोल सकता, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 2 क्रॉस 3. यार ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 3, ऐसे हम उधर सीखेंगे. तो ये जो एक्चुअल नोटेशन है वो मैट्रिसेस का इन जनरल, मतलब दिस रिप्रेजेंट, पहला जो नंबर है दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स. बट इन सेंस फॉर डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर होते हैं, तो हम सिंपली केवल n लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट इज n. कब, अगर उसके अंदर n रोज है या फिर n कॉलम्स है. अच्छा, और इसको मैंने क्या बोला, इसको हम मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर नहीं लिखेंगे. ठीक है ना, वो तो एक नोटेशन है, n क्रॉस n, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई. ठीक है ना, तो या फिर n बोलेंगे या फिर n क्रॉस n बोलेंगे. कब, जब उस डिटरमिनेंट के अंदर n नंबर ऑफ रोज है या फिर n नंबर ऑफ कॉलम्स, वन एंड द सेम थिंग. क्लियर है? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, वीडियो को पॉज करके मैं अगले पॉइंट की तरफ मूव करता हूं. तो हमने देख लिया डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू रिफर एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट. देखना, डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए ऐसे लिख लो, टू रेफर एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, टू रेफर एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट
वी जनरली यूज देखना क्या लिख रहा हूं मैं, ए और इसके नीचे लिख रहा हूं आई जे। अभी हम आते हैं इसके मीनिंग पे क्या होता है। पहले मैं एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं, तो मैंने लिया लेट्स से द डिटरमिनेंट इज वही पहले वाला ले लेता हूं वन, चलो कुछ और ले लेते हैं 1 2 3 7 9 8 11 15 10। लेट्स से दिस इज माय डिटरमिनेंट ए, ठीक है ये मेरा एक डिटरमिनेंट है। इसमें मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए हम ए आई जे यूज करते हैं। अब देखना इधर मैं लिख रहा हूं ए आई जे, वेयर आई इज व्हाट, रो नंबर और जे क्या है हमारा कॉलम नंबर, ठीक है। हमें तो पहला सफिक्स का रिनोट करेगा रो नंबर और दूसरा सफिक्स कॉलम नंबर। तो लेट्स से मुझे इसको रेफर करना है, व्हाट इज 8 ए के टर्म्स में, तो क्या बोलूंगा मैं ये 8 जो है वो कौन से रो में आ रहा है। पहले रो देखेंगे, इट इज रो 1 रो 2, तो रो 2 में आ रहा है, प्लस ये कॉलम कौन से कॉलम में आ रहा है 1 2 एंड 3, कॉलम 3 में आ रहा है। तो इसको मैं कैसे रेफर करूंगा, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्लियर है। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो 15 को रेफर करना है, तो क्या करूंगा मैं, पहले तो ए लिखा, फिर कौन से रो के अंदर है 1 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया, क्लियर है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 को रेफर करना है, तो ये क्या है 1 2 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ए 3 3, क्लियर हो गया होगा। मान लो मुझे 7 को रेफर करना है, तो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए 2 1, 11 को रेफर करना है तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज यूज्ड टू रेफर एलिमेंट, याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट, तो पहला सफिक्स है दैट इज रो नंबर एंड सेकंड सफिक्स जो लिखा है दैट इज कॉलम नंबर, क्लियर है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है इसको, ठीक है नोट्स में। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स पे, या फिर डायगोनल ऑफ अ डिटरमिनेंट, क्या लिखा मैंने डायगोनल, ठीक है, या फिर डायगोनल लिख लो या डायगोनल ऑफ डिटरमिनेंट। देखना तो जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 1 2 5 7 9 11 12 15 10 and so on, ठीक है ना। डायगोनल कौन से एलिमेंट्स होंगे, मतलब डायगोनल्स के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होगा। मैंने क्या बोला, जिनका लेट्स से ए आई जे हम इससे यूज करते हैं रेफर करने के लिए, तो बोल रहा है एलिमेंट्स फॉर व्हिच आई इज इक्वल टू जे विल कॉन्स्टिट्यूट डायगोनल, या मतलब वो एलिमेंट्स डायगोनल बनाएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं ए आई आई टाइप, जिनके ये दोनों सफिक्स बराबर होंगे। तो लेट्स सी, मैंने बोला एलिमेंट नंबर 1 है, उसका वो कौन से रो में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हेंस दिस विल कंट्रीब्यूट टू द डायगोनल। सिमिलरली जो 9 है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इसका ये भी डायगोनल का एलिमेंट होगा। एंड लास्टली जो 10 है दिस इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, हेंस दिस विल आल्सो बी पार्ट ऑफ डायगोनल। तो ये तीनों एलिमेंट हमारे डायगोनल होंगे, तो इसको मैं बोलूंगा डायगोनल। जैसे कि दिख भी रहा है स्क्वायर के लिए ये डायगोनल होता है ना, अगर मान लो मेरा ये स्क्वायर है, अच्छा उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, जैसे स्क्वायर में मैं एक तो दो डायगोनल बोलता हूँ, एक ये और एक ये, बट इधर मैं एक ही डायगोनल बोलूंगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल इन डिटरमिनेंट, उसने डिटरमिनेंट में डायगोनल को क्या बोला है, डेफिनेशन क्या बोली है, जिसके लिए लोअर जो सफिक्स लिखा मैंने रो, मतलब ऐसे बोल सकते जिस, वो एलिमेंट जिसके लिए रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर है। तो 1 9 11 10 के लिए तो बराबर है, बट व्हेन यू सी फॉर 12 ये कौन सा है, कौन से रो का है, ए 3 और कॉलम 1, तो ये 3 और 1 तो बराबर नहीं है ना, तो दिस विल नॉट बी एलिमेंट ऑफ डायगोनल। ऑल द फिजिकल डायगोनल तो है जैसे स्क्वायर का अगर मैं बोलूं, बट दिस इज नॉट अ डायगोनल इन डिटरमिनेंट, ठीक है ना। सो हमें इसको डायगोनल नहीं बोलना है 5 9 12 को, ओनली वन डायगोनल, दिस विल बी अवर डायगोनल, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या बोला, एलिमेंट्स फॉर विच रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर विल कॉन्स्टिट्यूट अ डायगोनल। तो हमारा हो गया दिस इज अ डायगोनल, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, ये हो गया मेरा डायगोनल एलिमेंट। अब हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एक टर्म होता है ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट बने, एक तो ये जो ब्लैक कलर से मार्क किया और एक ये, दीस टू विल बी ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्लियर है।
ये तो हो गया मेरा डायगनल, और जो ब्लैक वाले मैंने बोले ऑफ डायगनल, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखना इधर ही लिख लेता हूँ मैं, जो भी है 6.6 पॉइंट। एक होता है, एक टर्म यूज होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या बोला मैं? कॉन्जुगेट। ये मैट्रिसेस में ही बहुत यूज होगा। ये समझ लो कि जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट है, इट इज मतलब हम इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, जैसे वेक्टर और 3D इंटर रिलेटेड है। जैसे विदाउट वेक्टर वी कैन नॉट लर्न 3D, वैसे ही हम बिना डिटरमिनेंट के वेक्टर्स नहीं पढ़, सॉरी मैट्रिसेस नहीं पढ़ सकते। मतलब दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, जैसा कि तुम लोग जानते भी हो, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें डायरेक्ट 3D पढ़ाता तो कितना डिफिकल्टी होता समझने में, ठीक है ना, और प्लस नहीं हो पाता हमसे। उसी प्रकार ये है, तो मैट्रिसेस भी क्या होगा, इट इज डिपेंड ऑन डिटरमिनेंट। और जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज अभी यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने डायगनल यूज किया, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यूज किया, रोज यूज किया, कॉलम्स यूज किया, ये सभी चीज यूज होने वाली है हमारे मैट्रिसेस में, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, मन लगा के सुनना। चलो अब आते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे डिफाइन किए हैं हमारे डिटरमिनेंट में? एलिमेंट्स देखना, मैं लिख रहा हूं एलिमेंट, एलिमेंट ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट किसको बोला मैंने? ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक डिटरमिनेंट को हेल्प लेके समझाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो 7, 8, 9, मैंने कहा ये डिटरमिनेंट है। तो लेट्स सी व्हाट आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो मैंने क्या बोला कि ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। इसका मतलब अगर ये 1, 2 है तो ये 2, 1 होना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो लेट्स से मैंने बोला 4 जो है इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो 4 जो है हमारा क्या है बेसिकली, दिस इज ए सेकेंड रो में, तो ए 2, 1, एंड वॉट अबाउट दिस, दिस इज ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए 1, 2। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या है? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। चलो आगे और देखते हैं। मैंने बोला 7 जो है इट इज ए 3, 1, तो ए 3 है, ये 3 है वो क्या है? ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ए 3, 1, ए 1, 3, दिस वाज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। सो अगेन दीज टू विल बी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। लास्टली देखना जो 8 है, ये मेरा क्या है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एंड वॉट अबाउट 6? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अगेन दीज टू विल बी माई कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ इस पर एक हम नोट लिख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं 2 और 4, लेट से मैं 2 और 4 पे बात कर रहा हूँ। 2 और 4 में क्या खासियत है सोचो एक सेकेंड के लिए। मैं बोल सकता हूँ कि 2 और 4 इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डायगनल। ये मेरा डायगनल है, जैसे मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया, मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे 2 और 4 मैंने देखा कॉन्जुगेट है, क्यों? क्योंकि ये A21 है, ये A12 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो, 2 और 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डायगनल। मतलब इधर अगर मिरर रखा तो ये एक दूसरे का इमेज होंगे, पोजिशन इमेज होंगी मतलब। प्लस 3 और 7 जो है, अगेन दीज टू विल बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड, एंड अगेन सेम सिमिलरली 6 एंड 8। तो ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूँ इधर नोट करके कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स AJI एंड AIJ आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एंड आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डायगनल। क्लियर है? जो हमारा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे दे विल बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डायगनल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को कॉपी करो, हर एक चीज को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बहुत। और अगेन आई एम सेइंग सेम कि बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, और हर साल जेई में क्वेश्चंस आता है डिटरमिनेंट पे, स्पेशली एडवांस में। तो अभी देखा जा रहा है लास्ट के 4-5 साल से कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा दिया है, ठीक है, स्पेशली फॉर एडवांस। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एडवांस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट नोटेशन डिटरमिनेंट को। तो एक जनरल डिटरमिनेंट ले लेता हूं पहले मैं। मैंने कहा डेल्टा इज इक्वल टू, लेट्स से मैं एन क्रॉस एन का डिटरमिनेंट ले रहा हूं, उसका नोटेशन बता रहा हूं कि कैसे नोट करते हैं। देखना ध्यान से, पहले देख लो A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब पहले मैं रो के एलिमेंट लिख रहा हूं, तो पहले रो के लिख रहा हूं तो रो नंबर तो सेम रहेगा 1, 1। तो देखना A1 तो रहेगा,
चेंज हो जाएगा, तो A12, सिमिलरली A13 एंड सो ऑन. लास्ट में क्या आएगा, ए वस्त रो nth कॉलम. सो दिस विल बी अ डिटरमिनेंट जिसके अंदर n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, n नंबर्स ऑफ कॉलम्स है. सेकंड मेरा क्या आएगा, A21, A22, A23 एंड लास्टली A2n. दिस इज वेयर सेकंड रो. अब ऐसे ऐसे अगर मैं करता गया तो इधर मैं लास्ट एलिमेंट लिख रहा हूं, तो क्या आएगा मेरा nth रो, तो an, दिस विल बी करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट कॉलम, तो an1, फिर आएगा an2 एंड सो ऑन. लास्ट इधर क्या आएगा, ann. क्लियर है? सो ये मेरा इसका ऑर्डर कितना हो गया, एक तो n क्रॉस n. क्लियर है? तो ये मेरा डिटरमिनेंट कितना हो गया, दिस विल बी ऑर्डर, दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है. अच्छा, अब इसको शॉर्ट नोटेशन क्या यूज होता है वो देखते हैं, डिटरमिनेंट का देखना ध्यान से. पहले तो मैंने लिखा ये, फिर मैंने लिखा aij, फिर मैंने दो वर्टिकल लाइंस लिखी और इधर लिखा शॉर्ट में an क्रॉस n. दिस इज द नोटेशन, नोटेशन फॉर द अबव डिटरमिनेंट. कितने नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज. अच्छा, अभी तो हम n क्रॉस n लिख रहे हैं बिकॉज हमने जनरलाइज किया है, क्योंकि हम मैट्रिसेस में इसको डिफरेंट ही लिखेंगे, क्योंकि उधर हमारा रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर डिफरेंट होगा. बट सिंस फॉर डिटरमिनेंट्स दीज टू आर सेम, और जो सेकंड वाला बट डिनोट किसको करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है. इन दोनों को हटा के तो हम n भी लिख सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ aij इधर n क्रॉस n की जगह सिंपली यू कैन पुट n ओनली फॉर डिटरमिनेंट, बट मैट्रिसेस में वो नहीं चलेगा, तो इसलिए क्या किया, जनरलाइज लिख दिया, ठीक है ना. दिस इज फॉर बोथ. अब n, अब ये डिटरमिनेंट है तो ठीक है, इधर n और इधर n सेम होगा. क्लियर है? सो दिस इज द नोटेशन फॉर दिस डिटरमिनेंट, पहली चीज. अच्छा, अब मैं इस डिटरमिनेंट के बारे में देख लेता हूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, इसके ऑफ डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, वो सब चीज देखते हैं. तो पहला पॉइंट लिखा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. मैंने बोला इस डिटरमिनेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और उसमें बोल रखा है कि उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, मतलब उसके अंदर n रोज है एंड इट हैज n कॉलम्स, ठीक है. तो यू कैन सी कि एक रो के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ऐसी n रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, n स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर, ठीक है. सेकंड पॉइंट मैंने बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, सिमिलरली इन्हें मैं डिटरमिनेंट, ये वाला पार्ट इधर कॉपी कर ले, इन्हें डिटरमिनेंट यही चीज बात कर रहे हैं, इन्हें डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. n क्रॉस n अगर ऑर्डर है किसी डिटरमिनेंट का, तो उसके डायगोनल के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. तो यू कैन सी कि जो हर एक जो रो है उसके अंदर एक एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डायगोनल में, ये हुआ एंड सो ऑन, लास्टली ये वाला. तो कितने होंगे टोटल एलिमेंट्स, n, हर एक रो में एक होगा और देयर आर n रोस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n, ठीक है. तो टोटल डिटरमिनेंट में तो n स्क्वायर एलिमेंट्स, डायगोनल में n एलिमेंट्स. अब मैं आता हूं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ऑफ डायगोनल क्या होंगे मेरे, देखना ध्यान से, जो डायगोनल को छोड़ के बचे हुए, एक तो ये वाले देखना मैं बना रहा हूं ब्लैक कलर से ट्रायंगल के फॉर्म में, और इतने ही ऊपर होंगे, देखना ध्यान से. देखो टोटल n स्क्वायर थे, डायगोनल के n चले गए, तो इन दोनों के मिला के कितने हुए, n स्क्वायर माइनस n, दोबारा टोटल n स्क्वायर है, डायगोनल में n है, तो डायगोनल को छोड़ के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होगा, मैंने ऐसे लिखा नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ऑफ डायगनल, या फिर नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट, ऐसे लिख लो ज्यादा करेक्ट रहेगा, नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर में से n हटा दूंगा तो आएगा n स्क्वायर माइनस n। अभी इस चीज का हम आगे जाके यूज देखेंगे मैट्रिसेस में, इसके बेसिस में भी जेईई मेंस में या एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए ऑफ डायगनल एलिमेंट को लेके, ठीक है ना। उसमें हम दो टर्म यूज करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उधर ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब मैंने बोला कि ऑफ डायगनल, टोटल ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हमारे n स्क्वायर माइनस n हुए, तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर वो कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n बाय 2। और सिमिलरली ये मैंने जो ट्रायंगल बनाया इसके अंदर क्या हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n बाय 2। फिर आगे चल के हम बोलेंगे इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, इसको अपर ट्रायंगल, ठीक है ना। वो टर्म यूज होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो बात की बात है, बट मैंने बता दिया फिर भी। ये इसलिए मैंने बताया अभी क्योंकि हम इसका आगे यूज करने वाले हैं। n स्क्वायर माइनस n बाय 2, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 टोटल नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट नहीं है, आधे है, क्योंकि आधे इस साइड डायगनल की एक तरफ और आधे ऊपर की तरफ। तो कितने हुए? नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट बिलो द डायगनल एलिमेंट इज n स्क्वायर माइनस n बाय 2, एंड नंबर ऑफ डायगनल एलिमेंट अबव द डायगनल एलिमेंट इज n स्क्वायर माइनस n बाय 2। क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, हाउ टू इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। चलो, अब मैंने बोला क्या? माइनर और फिर हम देखेंगे कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं उसके बाद बताता हूं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, चलो 2 1 2, लेट्स सी दिस इज सम डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है ये मेरा क्या है? A11। तो पहली बात क्या होगा कि A11 का जो माइनर होगा उसको हम डिनोट करेंगे M11 से, पहली बात तो, ठीक है ना। अभी लिखते हैं हम इसको लैंग्वेज फॉर्म, पहले समझ लो कि माइनर होता क्या है। मैं वन जो एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 1, इसको मैंने रेफर किया A11 से, एज मैंने बताया। इसके माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। और ये होगा क्या, देखना ध्यान से सुनना, जिस रो नंबर और कॉलम में, जिस रो और कॉलम में ये 1 है उसको हटा दिया, उसको उन दोनों, उस रो और उस कॉलम को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा दैट इज नथिंग बट माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। क्या बोला मैंने? देखना, 1 को हटाया तो एक तो ये रो गई क्योंकि ये इस रो के अंदर आ रहा है एंड ये कॉलम गया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग, दिस इज माइनर ऑफ, दिस इज व्हाट, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। ये हो गया 1 का माइनर। एक मिनट के लिए चलो एक बार और ले लेते हैं। मैंने लिखा इसी के लिए 1 2 3 4 5 6, चलो 7 8 9। मैंने कहा लेट्स से 5 का माइनर निकालना है, तो पहले तो 5 मेरा क्या होगा? A22। इसका माइनर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? M22, M स्टैंड फॉर माइनर। और ये होगा क्या? जिस रो और कॉलम के अंदर ये है उस रो और उस कॉलम को रिमूव कर दिया और बचा हुआ डिटरमिनेंट इज नथिंग बट M22, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसको हटाया उस रो और उस कॉलम को, कौन से को? जिसके अंदर ये एलिमेंट है। तो बचा क्या हमारा? 1, सॉरी इधर बचा 1, इधर 3, इधर 7, इधर 9। क्लियर है? क्लियर हो? अब इसको लिख लो माइनर को, कैसे लिखेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij. Aij को जनरल मैंने जनरल ले लिया, आई और जे, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij and is a determinant। पहली बात तो हो गया कि जो Mij है क्या होगा? And is a determinant।
डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, ओप्टेन ओप्टेन बाय, कैसे लिख रहा हूं मैं, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे, करेक्ट, एंड इज अ डिटर्मिनेंट ओप्टेन बाय रिमूविंग आयथ रो, आयथ रो एंड जेथ कॉलम, मतलब ए आई जे एलिमेंट है उसका माइनर होगा एम आई जे, और वो आएगा कैसे, जो जो एलिमेंट होगा ना ए आई जे, वो जिस रो और जिस कॉलम के अंदर आ रहा होगा उस रो और उस कॉलम को हटा दो, और जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, क्लियर है। तो इससे क्या चीज मिली कि जो भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स होंगे, ध्यान से सुनना, जो भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से ए1 ए2 2 की बात कर रहे हैं, जो उसका माइनर होगा उसके जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा वो एक कम होगा फ्रॉम द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि जब एक रो और एक कॉलम हटा रहे हैं, तो लेट्स से ये हमारा 3 क्रॉस 3 का था, तो मैंने ये रो और ये कॉलम हटाया, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का बचा, 2 क्रॉस 2 का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको तुम अपने वर्ड्स में लिखो, क्या बोलूंगा मैं कि जो माइनर होगा किसी भी एलिमेंट का, जो माइनर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज अ डिटर्मिनेंट। पहली बात तो माइनर इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एलिमेंट, वो जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, एक ऑर्डर कम होगा फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट ओरिजिनल था, जिस डिटर्मिनेंट का वो एलिमेंट था, उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक ऑर्डर कम होगा। तो लेट्स से इसका अगर मेरा जो ए आई जे है, ये जिस डिटर्मिनेंट में था उसका ऑर्डर अगर एन क्रॉस एन है, सुनना ध्यान से, तो जो एम आई जे होगा इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन, ठीक है ना, एक ऑर्डर कम होगा किसका, माइनर वाले डिटर्मिनेंट का, क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम देखते हैं कोफैक्टर, सेम इसी से रिलेटेड टर्म है कोफैक्टर, तो पहले इसको कॉपी करो। कोफैक्टर क्या होगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इधर से तुम्हारा क्लियर होगा, जब हम डिटर्मिनेंट निकालते थे ना, वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे, वो इधर से आता है एक्चुअली। वो आई कैसे इवेल्युएट करते हैं वो भी हम सीखेंगे, उसका स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो टाइम नहीं, उससे रिलेट होगा ये माइनस वन, एक ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखना, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहले मैं वन की बात कर रहा हूं, दिस इज A11, ये क्या है, A11 है, मतलब एलिमेंट को रेफर करते हैं हम A11s। फिर मैंने बोला इसका जो माइनर है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, M11 से। वो होगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 5 6 8 9, ये तो क्या माइनर। अब C11 क्या होगा, माइनस वन की पावर, ये 1 + 1 क्या आएगा, 2 2, और फिर क्या आएगा 5 6 8 9, दिस इज व्हाट कोफैक्टर फॉर दिस एलिमेंट। तो दिख रहा है कि अगर देखो एक चीज, जो माइनर है और कोफैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट एक चीज का अंतर है क्या, कि जो कोफैक्टर है मैग्नीट्यूड क्या बोला मैंने सेम है माइनर का और कोफैक्टर का, अंतर क्या आएगा प्लस माइनस का, वो डिपेंड किस पे करेगा, आई प्लस जे पे, कि ये इवन है कि ऑड है, और आई और जे है क्या, रो नंबर और कॉलम नंबर उस एलिमेंट के लिए। तो अगर इवन रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इवन है तो क्या बोल सकता हूं, कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा, और अगर कॉलम नंबर और अपना रो नंबर अगर उन दोनों का सम ऑड है तो कोफैक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर, बट मैग्नीट्यूड वाइज
these two will be always same. Clear है? तो for first element मैंने चेक देखा अभी क्या माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है तो मतलब ये प्लस वन ही है तो माइनर इज इक्वल टू कोफैक्टर इस एलिमेंट के लिए बट अब जब तुम नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करोगे चाहे लेफ्ट की तरफ करो चाहे डाउनवर्ड की तरफ करो क्या होगा एट ए टाइम क्या होगा या तो रो इंक्रीज होगी या कॉलम इंक्रीज होगी तो अगर अभी इवन आ रहा है तो एक बढ़ाने पर क्या आएगा ऑड आएगा तो इसके लिए अगर इसके लिए क्या हो रहा है एम वन वन सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं इस एलिमेंट के लिए M11 is equal to C11 आ रहा है तो चाहे मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूं चाहे वर्टिकली मूव करूं अब नेगेटिव ऑफ ईच अदर आएंगे कौन माइनर और कोफैक्टर तो मैं क्या लिख सकता हूं C12 is equal to minus M12 अब नेगेटिव ऑफ ईच अदर आएंगे क्यों क्योंकि 1 plus 1 तो 2 होता था पावर में अब जैसे ही मैंने एक एलिमेंट आगे बढ़ाया तो मैंने क्या किया रो को बढ़ाया सॉरी कॉलम को बढ़ाया तो अब क्या आएगा 1 plus 2 3 आएगा Hence, that will be negative minus of minus. Clear है? अब हम देखेंगे क्या determinant को expand कैसे करते हैं, ठीक है? How to evaluate determinants. तो पहले इसको copy करो, video को pause करके, and then I will explain you how to evaluate determinants. तो लिखो नेक्स्ट इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट तो पहले मैं ले लेता हूं 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बहुत ही आसान है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट तो मैंने लिखा लेट्स से डिटरमिनेंट इज 1 2 3 4 ठीक है ये मेरा क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट जैसे कि बताया था 2 क्रॉस 2 मतलब क्या होता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स तो मेरा क्या आ गया ये हो गया मेरा 2 क्रॉस 2 का मैंने बोला डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस तो क्या लिखूंगा 1 इनटू 4 माइनस 2 इनटू 3 व्हिच विल बी 4 माइनस 6 माइनस 2 क्लियर है अच्छा अब मैं इसको जनरलाइज लिख लेता हूं मैंने कहा ए बी सी डी दिस इज अ 2 क्रॉस 2 और डिटरमिनेंट तो इसको इवैल्यूएट कैसे करूंगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी ठीक है तो ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट था हाउ टू इवैल्यूएट 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट अब आते हैं मेन पार्ट पे दैट इज 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे जो भी तुम्हारे डिटरमिनेंट में आएंगे वो 3 क्रॉस 3 के आएंगे 4 क्रॉस 4 के भी नहीं आएंगे 2 क्रॉस 2 के भी बहुत कम होंगे ज्यादातर 90% क्वेश्चंस विल बी ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट अब हम उसको देखते हैं हाउ टू इवैल्यूएट उसका एक ट्रिक भी सीखेंगे थोड़ा सा शॉर्टकट बट पहले हम प्रोसीजरल मेथड देखेंगे ठीक है ना कन्वेंशनल मेथड की एक्चुअल मेथड क्या है उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो आई एम रबिंग दिस पार्ट यू कैन कॉपी दिस वन अब मैं बोल रहा हूं 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करना है तो सेकंड पार्ट आया हमारा 3 क्रॉस 3 ठीक है अच्छा जैसा कि पहले मैं इसको ले लेता हूँ एग्जांपल क्योंकि हमने इसका किया हुआ है बहुत बार हमने वैल्यूट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में भी और क्या बोलते हैं और बाकी काफी चैप्टर्स में हमने किया है ठीक है ना तो लेट से मैं एक बार पहले एग्जांपल ले लेता हूँ उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन करेंगे एक्चुअली डेफिनेशन लिखेंगे होता क्या है तो मान लिया मैंने लिखा है 1 2 3 2 1 0 1 2 1 लेट्स से दिस इज द डिटरमिनेंट ठीक है तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं देखना ये जैसे देखो डिटरमिनेंट को तो क्या बताया था मैंने कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू हम ओपन कर सकते हैं इवैल्यूएट कर सकते हैं तो लेट्स से आई एम इवैल्यूएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस रो तो क्या किया मैंने पहला एलिमेंट लिया 1 इसके बाद क्या करते थे हम उसको हम लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखने वाले ये रो हटा देते थे ये कॉलम हटा देते थे फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस तो चलो लिख लेते हैं एक बार 1 इनटू 1 माइनस 2 इनटू 0 फिर क्या करते थे फिर साइन चेंज करते थे तो माइनस 2 इनटू ध्यान से देखना ये एलिमेंट हटाया ये हटाया तो 2 इनटू 1 माइनस 1 इनटू 0 2 इनटू 1 माइनस 1 इनटू 0 ऐसा करते थे पहले फिर प्लस 3 इनटू ये गया और ये गया 2 इनटू 2 माइनस 1 इनटू 1
टू इंटू टू माइनस वन इंटू वन, ठीक है। अच्छा अब मैं ना इस अब मैं इसको मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखना क्या किया बेसिकली हमने, ए वन ए वन एलिमेंट क्या है बेसिकली इस डिटरमिनेंट के लिए, हाउ टू रेफर दिस वन, दिस इज ए वन वन, ठीक है ना। अब देखना इधर एक और वन हाइड है, हिडन है, वो एक्चुअली है क्या, माइनस वन की पावर ये वाला वन प्लस वन, ठीक है। अब देखना ये वन इंटू वन टू इंटू जीरो क्या कैसे आया था, ये हमारा ये गया वन इंटू वन, दिस इज वॉट ए टू टू, तो चलो लिख लेते हैं ए टू टू इंटू दिस इज ए थ्री थ्री माइनस ये कौन सा हो गया हमारा, ये टू कौन सा हो गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इंटू ये जीरो क्या हो गया हमारा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। चलो सो ऑन वाला पार्ट भी लिख लेते हैं। अब देखना ये माइनस को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से मैं लिख रहा हूँ प्लस और माइनस वन की पावर लिख रहा हूँ मैं, ये टू के लिए मेरा आया वन प्लस टू, और ये टू जो है मेरा इस टू को मैं लिख रहा हूँ ए वन टू इन टू सेम चीज। अब तुम समझ गए हो तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ क्या चीज जा रही है। अब देखना ये क्या है मेरा एलिमेंट वन वन। अच्छा अब ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखना क्या लिखा है ये, कैन आई से दिस इज माइनर ऑफ ए वन वन, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ए वन वन एम वन वन इतना पार्ट, तो एम वन वन क्या होता है वन वन टू जीरो वन वन टू जीरो। अच्छा अब ये तो मैंने इस पार्ट को लिखा, अगर मैंने इतने पार्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करूं इतना पार्ट, देखना जो ब्लैक में लिख रहा हूं दैट इज कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर क्या होता है कैपिटल एम इंटू माइनस वन की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे मतलब ए वन वन के लिख ले रहा है इसलिए मेरा आया वन प्लस वन, क्लियर है। सिमिलरली इधर है ए वन टू क्या है, ए वन टू तो ये लिखा है, और ये क्या है बेसिकली माइनस वन की पावर वन प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा मेरा एम वन टू, तो ओवरऑल मेरा ये क्या हो गया, सॉरी एक मिनट देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट माइनस वन की पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू क्या हो गया सी वन टू, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या आ रहा है वो देखना है, हम देखना मैं इधर लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूँ ए वन वन इंटू इंस्टेड ऑफ राइटिंग एम वन वन मैं सी वन वन के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा सी वन वन फिर प्लस प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस, इधर जब हम तीसरा एलिमेंट लिखेंगे जैसे ये थ्री था, थ्री क्या है ए वन थ्री, तो ए वन थ्री आएगा इंटू, फिर जब ये वाला जो फैक्टर देखोगे दैट इज विल बी नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो इधर क्या आ जाएगा सी वन थ्री, और ये क्या है हमारा दिस नथिंग बट डेल्टा, ये अभी तक हम करते आ रहे थे, अब हम इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेंगे, क्या बोला मैंने अब इसी को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेंगे। क्या ये लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखना, पहले सुन लो उसके बाद लिखना। डिटर्मिनेंट इज देखना सम ऑफ पहले देखना सम ऑफ किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ इट्स कोफैक्टर। मैंने बोला क्या कि पहले तो कोई भी रो उठा ली, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो लेट से मैंने रो वन उठाई, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहा हूँ, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में करो आंसर फाइनल आंसर विल कम सेम, बट टाइमिंग मैंने रो वन उठाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट को लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, क्लियर है, इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। देखो कैसे लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम विथ इट्स करस्पॉन्डिंग विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसलिए माइनर से ज्यादा कोफैक्टर यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, किसी भी एक एलिमेंट के मैंने रो या किसी भी रो या कॉलम के मैंने एलिमेंट्स उठाए, लो लेट्स से रो वन के उठाए,
उनका क्या करो, सम करो। पहले सम किस किस का करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स वन का इसके कोफैक्टर के साथ, टू का इसके कोफैक्टर के साथ, थ्री का इसके कोफैक्टर के साथ, उन तीनों का सम इज नथिंग बट डिटरमिनेंट। काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ठीक है ना। चलो समझ में आ रहा होगा आई होप। तो देखते हैं, तो एक बार जनरलाइज लिख लेते हैं। तो मैंने अच्छी एक चीज और, जैसे मैंने अभी बोला कि हम रो के रिस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हैं किसी कॉलम, तो अभी मैंने रो के लिए किया, एक बार कॉलम के लिए वो कर लेते हैं। तो मैंने लिखा, चलो एक बार मैं इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, 3x3 ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिस इज माई 3x3 डिटरमिनेंट। तो मैंने क्या बोला, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू ओपन कर सकते, फाइनल वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू, पहले एक बार मैं रो वन के लिए दोबारा लिख लेता हूँ, रो वन के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखा, A11 into, फिर मेरा क्या आएगा, A11 का कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होगा, पहले तो माइनर हुआ ये, इंटू -1 की पावर 1+1, तो वन ही हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा, कितना बचा, A22 A33 A22 A33 माइनस A32 A23, क्लियर है। फिर क्या आता है हमारा, A12 इंटू A12 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, पहले माइनर इंटू -1 की पावर 1+2। अब -1 की पावर 1+2 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो मैं इधर -1 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तुम लोग एक स्टेप आगे क्या लिखोगे, -1 की पावर 1+2 इंटू A12 का, A12 का क्या आएगा, माइनर। तो क्या जाएगा, इसको हटाया इसको हटाया, A21 A33 A21 A33 माइनस, कैसे आए, इसको हटाया इसको हटाया, A21 A33 माइनस A31 A23 A31 A23 और लास्टली क्या आएगा हमारा, प्लस थर्ड एलिमेंट A13 इंटू, फिर ये हटाया तो क्या आएगा इसमें, -1 की पावर 1+3 आएगा, विच इज 1 ओनली, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग को लिखना है। फिर ये हटाया तो क्या, A21 A32 माइनस A31 A22 A31 A22, क्लियर है। ये तो क्या हो गया, इवेल्युएशन विथ रिस्पेक्ट टू रो वन। अब मैं लिखता हूं विथ रिस्पेक्ट टू, लेट्स से विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम थ्री, चलो कॉलम थ्री के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो पहले मैंने देखा कॉलम थ्री क्या है हमारा, तो कॉलम थ्री है ये C1 C2 C3, चलो तो मैंने किया इसके रिस्पेक्ट में लिखना है मुझे, तो स्टार्ट करते हैं। तो A13 इंटू A13 का कोफैक्टर, वो कोफैक्टर अभी मैंने इधर ही लिखा था, तो मैं डायरेक्टली इधर से कॉपी कर देता हूँ। तो ये क्या आया, A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22, क्लियर है, प्लस फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज A23। हम A23 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा मैं, -1 की पावर 2+ दिस इज 3, 2+3 इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, तो -1 की पावर क्या आएगा, 5, विच इज माइनस, तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। दिस इज द रीजन, जब हम पहले करते थे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, वो -1 की पावर i+j के कारण आ रहा है। हाँ, अब क्या है, A23 का माइनर और बाकी -1 की पावर, तो हो गया क्लियर। अब A23 का माइनर क्या होगा, ये हटाया, तो A11 A32 माइनस A31 A12, क्लियर है। और लास्टली हमारा A33 बचा, तो प्लस A33 -1 की पावर 3+3 6 होगा, वो पॉजिटिव आएगा, तो नहीं लिख रहा हूँ, माइनर लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो माइनर कितना आ जाएगा इसका, ये हटाया A11 A22 माइनस ये हटाया A21 A12, क्लियर है। चलो अब कोई बोलेगा सर ये और ये तो डिफरेंट दिख रहा है, दिखने में लग रहा है, बट व्हेन यू विल सी कि ऊपर वाले में कितने टर्म्स आ रहे हैं हमारे, ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, तो दो इससे आएंगे 6 आएंगे, वही 6 इधर से आएंगे एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है क्लियरली कि ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है इसके, क्योंकि ये A13 जो था वो रो 1 में भी आ रहा था, कॉलम 3 में भी आ रहा था। तो अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, देखना A23 A11, तो मैं देखता हूँ A23 मेरा कहाँ है, A23
देखना A23 A11 A23 A11 A32 नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ। तो ध्यान से देखना ये छह की छह टर्म दोनों में सेम होगी फाइनल, जो छह टर्म आएंगे दिखने में भी अलग लग रहा होगा, ठीक है। तो इवेल्युएशन क्या कर सकते हैं, इससे क्या सीखे कि हम जो इवेल्युएशन है कॉलम्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और रोज के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और तीनों रोज में से कोई भी रो या फिर तीनों कॉलम में से कोई भी कॉलम, वो करेंगे कैसे, वो करेंगे मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हम करेंगे क्यों, क्या करेंगे, मतलब कॉलम से करें कि रो से करें, और उसमें भी कौन से रो से करें कौन से कॉलम से करें, डिपेंड किस पे करेगा कि देखेंगे कि सबसे ज्यादा जीरो किस रो या कॉलम में है। सुनना ध्यान से ये मेरा स्टेटमेंट, मैंने बोला करता हूँ किसी भी रो या कॉलम से सकते हैं, आंसर विल रिमेन द सेम, बट कैलकुलेशन कब कम होगा हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में अंदर सबसे ज्यादा जीरो किस रो या कॉलम में है, उस रो के रिस्पेक्ट में हम इवेल्युएट करेंगे, तो क्या होगा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे ये दोनों एलिमेंट जीरो जीरो हो जाए, तो मेरा ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया, तो ये कैलकुलेशन तो मुझे करना ही नहीं पड़ा ना, ओनली दिस पार्ट A11 के रिस्पेक्ट में करना पड़ा बस। तो यही तो फंडा होता है आगे चल के हम डिटरमिनेंट में देखेंगे कि जब भी हम प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे तो हमारा एम क्या होता है कि किसी भी तरीके से प्रॉपर्टीज लगा के डिटरमिनेंट में ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करें हम, उसके बाद ओपन करें। तो जब हम जीरो बना देंगे, देखो एक जीरो तो बनाना ही पड़ेगा, अगर दो बन रहा है तो बहुत ही अच्छी है, और तीनों बन रहे हैं तो जीरो हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा कि हम इवेल्युएट तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, बट करेंगे क्या, करेंगे एक्चुअली करेंगे कैसे, दैट वो डिपेंड करता है कि जो गिवन डिटरमिनेंट है उसमें सबसे ज्यादा जीरो किस कॉलम या रो में है, जिसमें ज्यादा होंगी उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा कैलकुलेशन कम होगा, क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना, हम इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज जो भी पढ़ाया ध्यान से सुनना, ठीक है ना, और ध्यान से एक बार मतलब जैसे मान लो तुमने कॉपी नहीं किया हो कुछ पार्ट, दोबारा रिमाइंड करके सुनना, बहुत बेसिक्स पढ़ाया है, धीरे धीरे हम अपना लेवल पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।